तो हेलो गाइस, तो मैं हूं सुम, आप लोग देख रहे होंगे मेरा YouTube चैनल। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम खेलने मनाने वाले कुछ वायरल टिकटॉक्स हैक्स। तो ये देखिए, मैं अब झूल रहा हूँ। तो चलिए, और ये देख लीजिए, मैं बहुत दिन के बाद आया हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ही बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चार वो लगानी है फेंसेस। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर पांच ब्लॉक मतलब गैप छोड़ना है। तो एक ही हो गया, दो, तीन, चार, पांच। ओके, तो यहाँ पर ये पांच हो गया। अब गाइस ये जो बीच वाले ना, सिंपल आपको ये वाला ब्लॉक तोड़ना है एंड इसके साथ में दो ब्लॉक तोड़ना है, तो ये वाला एंड एक ये वाला, और ऐसे आपको यहाँ पर भी फॉलो करना है। तो जल्दी से ये तोड़ते हैं एंड इसके साथ वाला। अब गाइस यहाँ पर ये वाला जो इसके फेंस के सामने वाला है, यहाँ पर आपको दो ब्लॉक डिप करना है। और ये इसकी हंसी की तैसी पानी कहाँ से आ गया। तो सबसे पहले यार मेरे को इसको बंद करना होगा। ओके, तो नदी वदी बह रही है कि इसके अंदर ही, बट सबसे पहले गाइस इसको बंद करते हैं। नहीं नहीं, रुको रुको, मेरे को पूरा बंद करना होगा ये। ओके गाइस, तो ये पूरा का पूरा भाई तालाब बन रखा है नीचे। एक काम करते हैं, कहीं और ट्राई करते हैं। तो ये वाली जगह काफी ज्यादा सही है, तो सबसे पहले मैं वही वाली चीजें फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो ये पूरा का पूरा मतलब इस तरीके से आपको कर देना है एंड जो बीच वाला ब्लॉक है ना, सिंपल आपको इसको दो बार डिक करना है। अब इसके साथ वाले को एक बार और यहाँ से भी एक बार। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की इसकी लुक आ जाएगी। अब इसके बाद आपको ये पावर ड्रेल लेनी है एंड ये हर पटरी पर मतलब हर ब्लॉक पर बिछा देनी है। बट उससे पहले यहाँ पर आपका आने वाला है रेडस्टोन ब्लॉक। तो सबसे पहले रेडस्टोन ब्लॉक रखते हैं, जिसके थ्रू ये जो आपकी पटरी मतलब जो रेल है ना, वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो सब पे यहाँ पर बिछा देते हैं। अब गाइस सिंपल आपको क्या करना है, इसको ना मैं थोड़ा कवर कर देता हूँ, मतलब थोड़ी यार झूले वाली लुक भी तो आनी चाहिए। तो सबसे पहले इसको कवर करते हैं। ओके, हाँ, अब काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। अब मेरे को यहाँ पर चाहिए माइंड कार्ट, तो ये रही हमारी माइंड कार्ट। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर रखते हैं एंड आप देख सकते हो ऐसे ही घूमती रहेगी। और इस बेचारे को मैंने यार बंद क्यों कर रखा है, इसको खोलो। ओके, तोड़ना पड़ेगा क्या? ठीक है। तो गाइस अब आपको ये स्ट्राइडर लेना है, बस यार बच्चा ना निकल जाए, क्योंकि बहुत बार बच्चा निकला है। मुझे पता था यार ये हर बार ऐसे ड्रामे करता है भाई, पता नहीं कितनी बार बच्चा निकल जा रहा है तेरी ऐसी की तैसी। तू गया बे, ये गया ये भाई, ड्रामा फिर आ गया, कैसी गंदी गंदी आवाज निकाल रहा है। तो गाइस यार फिर से ट्राई करते हैं, यार बार बार बच्चा निकलता है, मैं बहुत ज्यादा बोर हो गया इस चीज से। ओके ओके भाई, नहीं रुको रुको, भाग मत प्लीज 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 प्लीज। ओ भाई यार भाग गए। अबे ये भी होता है कि इसके अंदर इसके ऊपर, अबे रुको रुको भाई, मेरे को बैठना होगा यार, तू कैसे बैठ रही है इसके अंदर, मतलब इसका बच्चा जो भी है यार। तो गाइस सबसे पहले अब आपको सैडल लेनी है, तो मैंने सैडल ले लिया और इसको पिना दे भाई जल्दी से। ओके, तो भाई मैंने इसको पिना दिया, मैं इसमें राइड तो कर सकता हूँ ना। अबे राइड नहीं, तेरी ऐसी कैसी, इस बच्चे को भगाओ यहाँ से, इसको मार दूं गाइस, नहीं तो मैं राइड नहीं कर सकता तेरी। ओके, तो मैं राइड कर सकता हूँ। ये वाला जो आपको ब्लॉक है ना, इसको तोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक मोब आने वाला है जिससे आप रस्सी को कनेक्ट करोगे। बट यार मैं दिन करने वाला हूँ सबसे पहले। तो गाइस अब आपको सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ पर स्लैब लगा देनी है। वैसे जरूरी नहीं है स्लैब लगाना, बट लगा लेना, लगाने में क्या जा रहा है। अब इसके बाद गाइस आपको रैबिट चाहिए एंड रैबिट को यहाँ पर स्पॉन करना है। एक रैबिट यहाँ आएगा और एक रैबिट यहाँ आएगा। अब इसके बाद आपको लीड चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले लीड लेते, कहाँ भग गए तुम्हारी ऐसी की तैसी, बाहर कैसे भग जाते हैं। तो गाइस सबसे पहले मेरे को ये पूरा कवर करना होगा, और इसको कवर करने के लिए मेरे को ना यहाँ पर स्ट्रिंग लगानी होगी। यहाँ पर नहीं लगानी, सबसे पहले मैं एक कारपेट लेने वाला हूँ, जो कि हमारी मोस्ट कारपेट होती है वो वाली, वो मतलब काफी खतरनाक लगती है यार। तो सबसे पहले वो ही ले लेते हैं। ओके, तो मैंने इसको ले लिया है। तो सबसे पहले गाइस मोस्ट कारपेट को लगाते हैं इस जगह पर, मतलब ये पूरा कवर ना कवर कर देगा और काफी ज्यादा खतरनाक लुक दे रही है। तो यहाँ पर भी लगाते हैं। अब गाइस अगर आप यहाँ लगाओगे ना, तो ये नीचे की तरफ लगेगा। तो इसको मतलब सही करने के लिए सिंपल आपको क्या करना होगा, आपको स्ट्रिंग्स चाहिए एंड स्ट्रिंग्स हम यहाँ रखते हैं। तो सबसे पहले हम गाइस हम यहाँ अपना स्ट्रिंग लगाने वाले हैं। ओके, मैंने स्ट्रिंग यहाँ लगा दी। अब इसके ऊपर सिंपल आपको ये जो मोस कारपेट है वो लगा देनी है। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मतलब इस तरीके से आपको पूरा कंप्लीट कर देना है। तो सबसे पहले वापस यहाँ स्ट्रिंग लगाता हूँ एंड यहाँ से कारपेट से कवर कर देता हूँ। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो पूरा कवर हो चुका है। बट एक बात का ध्यान रखना, इसके ऊपर मत चलना, नहीं तो आप पूरा नीचे गिर जाओगे भाई, ठीक है ना। फिर आपको वापस से तोड़ के बाहर आना होगा। बट एनीवेज गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर ये रैबिट को स्पॉन करते हैं एंड एक रैबिट को यहाँ स्पॉन करते हैं। सबसे पहले लीड लेते हैं एंड यहाँ से ये कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से और दूसरा वाला का भग गया। ओके ओके, ये रहा। ओके, तो सबसे पहले इसको भी यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो फाइनली गाइस आप देख सकते हो जो हमारा झूला है वो रेडी हो चुका है। बट हाँ, इसको कवर कर देते हैं जिससे कि यार वो बाहर ना भग सके। वैसे बाहर तो नहीं भगेंगे, बट हाँ अब थोड़ी अच्छी लुक आ रही है। तो सबसे पहले गाइस अब आपकी जो मेन चीज है ना, वो है जो कि है आपका स्प्लैश पोशन ऑफ इनविजिबल। तो भाई इसको थ्रो करना है, तो इसको थ्रो करते हैं इसके ऊपर। बट यार मेरे को भी लग जाता है, इसलिए भाई मैं दूध अपने हमेशा अपने साथ रखता हूँ। तो सबसे पहले भाई ये दूध पीते हैं। ओके, हाँ अब तगड़ी वाली फीलिंग आ रही है।
तो इसके पास चलते हैं एंड ओके राइट वाला ऑप्शन कहां बन गया। ओके तो गाइजर आप देख सकते हो क्या खतरनाक लुक आ रही है, और गाइजर आप इस तरीके से मजे ले सकते हो, मतलब जिंदगी की तो नहीं बट हम माइनक्राफ्ट के अंदर भाई झूला झूल सकते हो। तो गाइजर अब हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टिकटॉक हैक। तो ओके गाइजर जो हमारा नेक्स्ट हैक है ना उसके अंदर मतलब आप ना एक मजेदार सा ज़ोंबी ट्रैपिंग हैक बना सकते हो, मतलब ज़ोंबी को ट्रैप कर सकते हो बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से। तो उसके लिए मैं ये वाली जगह चुनने वाला हूं। तो गाइस सबसे पहले आपको चाहिए एक टर्टल एग एंड उसके बाद आपको चाहिए स्नो बकेट, तो सबसे पहले ये भी ले लेते हैं एंड आपको ज़ोंबी भी चाहिए होगा। तो फाइनली हमारे पास ज़ोंबी भी आ चुका है। ओके गाइस अब सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर ना आपको टर्टल एग रखना है, तो यहाँ पर मैं टर्टल एग रख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर ये जो आपको एक एक ब्लॉक का गैप देना है एंड मतलब तीन ब्लॉक डिप करना है, तो सबसे पहले इसको तीन ब्लॉक डिप कर देते हैं एंड हाँ मेरे को एक और चीज चाहिए थी जो कि है ग्लोस्टोन। ओके गाइस तो मैंने ग्लोस्टोन भी ले लिया है, तो सिंपल आपको क्या करना है तीन ब्लॉक डिप करना है एंड उसके बाद ना ये जो सबसे नीचे है ना वहाँ पर ग्लोस्टोन लगा देना है। अब मैंने ये क्यों लगाया मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ बट सबसे पहले ये पूरा कवर करता हूँ। ओके गाइस तो आप देख सकते हो भाई अभी से ही काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है, तो सबसे पहले आपको हर ब्लॉक में ना मतलब ये जो आपको दिख रहा है हर खाली जगह पर पूरा का पूरा स्नो लगा देना है, तो जल्दी से इसको भी पूरा कंप्लीट कर देते हैं। ओके तो अब हम करने वाले हैं सबसे पहले नाइट, क्योंकि आपको पता है भाई ज़ोंबी दिन में सर्वाइव नहीं कर सकते एंड गाइस यार मतलब जो ग्लोस्टोन है मैंने इससे लगाए थे क्योंकि आसपास ना बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है एंड आप देख सकते हो अभी वो ज़ोंबी शायद उन्होंने देखा नहीं इसको, नहीं तो भाई कुत्ते की तरह भाग कर आते। और आप देख सकते हो मैंने काफी सारे ज़ोंबीज को स्पॉन कर दिया मगर एक भी ज़ोंबी ना इसको नहीं मार पाएगा, मतलब इसको नहीं तोड़ पाएगा जो हमारा टर्टल एग है। एंड भाई क्या गंदी आवाज निकाल रहा है भाई, डरावनी आवाज निकाल रहा है। एंड गाइस आप इस तरीके से ना एक बहुत ही ज्यादा ट्रैपिंग अच्छा सा मतलब एक वायरल हैक मतलब बड़ा मस्त तैयारी वाला हैक मेरे को काफी ज्यादा मस्त लगता है और काफी सेटिस्फाइंग भी भाई, कितना सुकून मिल रहा है इनको मरते देखते हुए, ठंड के कारण मर रहे हैं और ओके मैं भी इनके साथ मरने आ गया। ओए ये क्या हो रहा है भाई मेरी स्क्रीन पर पूरा का पूरा भाई बर्फ लग गई मेरी पे, वो ऐसा भी होता है क्या। ओके भाई ये ज़ोंबी बहुत ज्यादा पागल हो गए हैं भाई, बहुत गंदी गंदी आवाज निकाल रहे हैं, वो भाई पूरी स्क्रीन भाई ठंडी पड़ गई। सबसे पहले गाइस यहाँ से भाग कर चलते हैं थोड़ा दूर। तो गाइस अब हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट हैक। ओके गाइस अब जो हमारा नेक्स्ट हैक है ना उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आर्मर स्टैंड, तो जल्दी से ये ले लेते हैं एंड इसके बाद अब आपको चाहिए होगा मतलब कोई भी आप हैड ले सकते हो कोई भी मोब का, तो मैं सिंपल हैड ले लेता हूँ अपने स्टीव भाई हैड ले लेते हैं एंड एक चाहिए आपको पिस्टन, तो सबसे पहले पिस्टन ले लेते हैं एंड एक चाहिए आपको ब्लॉक ऑफ रेडस्टोन। तो ओ हाँ एक मेन चीज तो रह गई, तो सबसे पहले गाइस आपको चाहिए होगी एंड रोड, तो एंड रोड ले लेते हैं और एक चीज आयरन रोड तो वो भी ले लेते हैं भाई। ओके तो ये रही। तो गाइस अब आपको क्या करना है सबसे पहले आयरन रोड लेनी है एंड रोड लेनी है। अब गाइस यहाँ पर ना सबसे पहले आपको ये लगानी है मतलब जो आपकी आयरन रोड है इस तरह एंड देन आपको ये वाला ब्लॉक डिग करना है एंड उसके बाद गाइस आपको सिंपल ये वाले जो एंड रोड है ना इसको तोड़ देनी है, सॉरी जो आपकी आयरन रोड है उसको तोड़ देना है एंड इसके बाद आपका यहाँ पर ना एंड रोड आने वाली है। एंड गाइस आपको कुछ देखकर लग रहा है कि क्या चीज बनने वाली है, मतलब जो भी बनेगी काफी ज्यादा मस्त बनेगी, तो सबसे पहले हम ये डर्ट ले लेते हैं एंड डर्ट को यहाँ लगा देते हैं। अब गाइस आपका ना आर्मर स्टैंड आने वाला है, तो जल्दी से ये आर्मर स्टैंड लगाते हैं। ओके गाइस तो आप देख सकते हो भाई काफी ज्यादा ओपी लग रहा है। और हाँ गाइस अगर आपको इसकी मतलब ये जो पोज है इसको चेंज करना है तो सबसे पहले आपको स्नीक होना है एंड यहाँ से आप इसका जो पोज है वो चेंज कर सकते हो। और ये अब यार मैंने क्यों हटा दिया वो वाला, वापस मेरे को वो लगाना पड़ेगा। हाँ तो 1 2 3 4 5 ओके भाई ये वाला काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है मेरे को पोज। अब गाइस इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हेड है सिंपल इसको पिना देना है एंड देन उसके बाद आपको एक तगड़ी चीज चाहिए जो कि वैसे एक नहीं दो चीज चाहिए, तो सबसे पहले आपको पिस्टन लेना है एंड पिस्टन को यहाँ रखना है एंड इसके बाद नहीं रुको सबसे पहले गाइस ये जो आप ये नंगा आर्मर देख रहे हो ना मतलब ये आर्मर स्टैंड मैं इसको भाई तगड़ा आर्मर पहनाने वाला हूँ। ओके गाइस तो सबसे पहले भाई इसको ये पहनाते हैं इसके कपड़े, अब काफी ज्यादा तगड़ा लगने वाला है ये। तो फाइनली भाई अब गाइस आपको क्या करना है सबसे पहले ये जो आपका ये है ना रेडस्टोन ब्लॉक ये लेना है इसके पास में रखना है एंड देन आप देख सकते हो रुको भाई इसको तोड़ते हैं फिर आपको दिखाऊंगा। एंड गाइस आप यार देख सकते हो क्या तगड़ी लुक आ रही है एंड डेकोरेशन पर्पस के लिए ना भाई ये बहुत ही ज्यादा ओपी है, ऐसा लग रहा है कि भाई हमारा जो स्टीव बंदा है उसने ये पकड़ रखी है तलवार, माना कि तलवार जो है बहुत ही ज्यादा बड़ी है इसकी हाइट की बट जो भी बोलो गाइस काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है। एंड गाइस ये वाला हैक भी ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। अब जो हमारा नेक्स्ट हैक है वो एक हैक नहीं है बट हैक की कैटेगरी में आप इसको ले सकते हो, तो सबसे पहले भाई मैं उसके लिए आर्मर पहन लेता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तो मैं नहीं चाहता कि भाई मैं मारा जाऊँ ठीक है। तो सबसे पहले गाइस आपको ना पिगलिंग का एग लेना है, तो सबसे पहले भाई हम उसका एग ले लेते हैं। ओके गाइस तो सबसे पहले हम पिगलिंग का एग लेते हैं, उसके बाद ये वाला पिगलिंग कौन सा है भाई, इसका नाम है पिगलिंग ब्रूट ठीक है भाई ये भी ले लेते हैं, ये भी सुनने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। अब गाइस अब आपको क्या करना है, जैसे कि आप सभी को पता होगा माइनक्राफ्ट के अंदर ना हमारे और विलेजर्स के अलावा कोई भी इतना समझदार प्राणी नहीं है जो कि भाई डोर्स को ओपन कर सके, बट गाइस यार जो पिकली ने ना भाई वो लिटरली ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हो मैं इसको यहाँ स्पॉन करता हूँ, अरे गजरे अंदर जाना, अबे गेट खोल वो वाला, वो भाई ये वाला घर कैसा है इसका यार बीच में गेट आ रखा है, बट ठीक है गाइस यार मेरे को लगता है भाई सर्वाइवल में जाना होगा
बट उससे पहले मैं इसको खत्म करने वाला हूँ, नहीं तो सर्वाइवल जाते मेरे को ये मारने वाला है। ओके गाइस, तो मैं सर्वाइवल में आ चुका हूँ, तो सबसे पहले भाई मैं इसको दूर खड़ा करूंगा जिससे कि ये मेरे को पकड़ ना पाए। ओके, तलवार लेके पीछे आ रहा है, तो देखना ये अभी तेरी नहीं, मेरे को इसको मारने हुआ, बहुत ज्यादा पास आ गया था यार मेरे। तो सबसे पहले वापस से दूर चलते हैं एंड इसको स्पॉन, अबे यार इसके पास तो तीर भी है, बट ठीक है मारियो मत यार बस। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो आ भी रहा है मेरे पीछे, हां भाई आ तो रहा है, आजा आजा आजा। ओए, तो गाइस आपने देखा भाई ये गेट खोले थे भाई, काफी ज्यादा समझदार है, मगर ये ज्यादा नूबड़े होते हैं यार ये तीर वाले, तलवार वाले ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसको खत्म करते हैं। और ये वाला जो ब्रूट वाले ना भाई, वो भी देखने वाले हैं कि तेरी ऐसी की तैसी, बात तो खत्म करने दे। ओके गाइस, तो सबसे पहले ये वाला जो ब्रूट है ना भाई, इसको भी कर देखते हैं। ओके, ये तो भाई ये पता नहीं ये कौन सी एक्स लेकर आते हैं सोने वोने की, भाई काफी खतरनाक होती है, तो सबसे पहले ये बंद करते हैं। ओके नहीं, ओके ओके गाइस आपने देखा, मुझको शायद आपने देखा नहीं होगा, मैं आपको वापस दिखाने वाला हूँ, बस ये मेरे को मार ना दे। ओके, मैंने इसको यहाँ पर स्पॉन कर दिया है, तो सबसे पहले यहाँ से भाग कर चलते हैं एंड गेट बंद करता हूँ। और बड़ी तेज स्पीड होती है इनकी, और देखा ओ भाई नहीं नहीं मार, अबे मार मत यार, बेइज्जती कराएगा मेरी पागल, नाइट वेट पहन रखा है मैंने, भाई मार मत दियो। तो गाइस यार मतलब ये वाला जो है ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आपको इन सभी में से कौन सा वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, अगर बात की जाए मेरी तो यार मेरे को ना वो वाला ज्यादा मस्त लगा, वो जो तलवार लेके खड़ा है वो वाला, वो जो झूला वाला भाई, बचपन की यादें ताजा हो जाती है। तो गाइस यार आप भी इनको जरूर से ट्राई करना, एंड अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर से एक लाइक भी कर देना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई प्लीज वो भी जरूर से कर देना। तो बस गाइस यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।